बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, विधानसभा की मेंबरशिप वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आज हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने लिखित जवाब भी दिया और वो सबमिट किया जवाब। और हमें पूर्ण विश्वास है कि स्पीकर साहब जो है बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है विधानसभा की मेंबरशिप से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बोला, क्या बोला सर, क्या आपके रिप्लाई से कुछ मतलब सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? आज जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे, बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे। जो उन्होंने पूछा हमने बताया, मेनली तो इसमें ही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है उसमें ही अगर कोई भी मेंबर विधानसभा का अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से त्यागपत्र देता है, तो जो क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, बल्कि हमारे संरक्षक है हमारे अधिकारों के, तो जो उनकी प्रिविलेज है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहाँ तक है उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु, नो इफ बट, और रेजिग्नेशन तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता। तो हमने यही कहा क्योंकि हमने जो रिजाइन दिया 22/3 की डेट से दिया है, तो अब तो दो कितने दिन हो गए, आज है 18-19 दिन हो गए हैं, तो हम तो यही कहा, लिख के भी दिया, वर्बली भी यही कहा जो उन्होंने पूछा हमसे, कि हमारा 22/3 से ही जो है रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए।